श्रीधर जी का सवाल है कि गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली पता होगा, जब हम लोगों को पता है, आम जनता को पता है, कि कैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और ये बिल गेट्स, WHO, WTO, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारी 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही हैं और आम जनता को परेशान कर रही हैं। तो जब गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट खुद क्यों उनकी साइड लेती है और खुद क्यों सॉल्यूशन नहीं निकालती? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि सरकार को तो डेफिनेटली पता है। उसमें आप देखिए कि सबसे पहली चीज, एक चीज होती है इकोनॉमिक हिटमैन्स। ये जो आपने कहा, तो सरकार सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रही है, ये बहुत सारे लोग कर चुके हैं ट्राई, बहुत सारे लोग ये ट्राई कर चुके हैं। इनफैक्ट गद्दाफी हैं जो लीबिया के शासक थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी उन्होंने ये UN, यूनाइटेड नेशंस और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो तब था नहीं, और इन सारों चीज़ों को हटाकर अपना सिस्टम बनाया। अपना सिस्टम बनाने का मतलब है डॉलर रिजेक्ट कर दिया। जब तक डॉलर हमारे देश में रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी करेंसी उठ पाए, हमारा देश ग्रो कर पाए, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने डॉलर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि अब हम लीबिया में अपनी डॉलर में, अपने लीबिया की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो अब क्या हुआ, उनके पास क्योंकि बहुत ऑयल रिजर्व्स आ गए थे, बहुत सारे, क्योंकि ऑयल पावर है, जिसके पास ऑयल है वो देश वर्ल्ड कंट्रोल कर सकता है। उनके पास ऑयल भी था, गोल्ड भी था। सेम कंडीशन पनामा में हुई, सेम कंडीशन इक्वाडोर में हुई, जो आज की तारीख में बहुत ही गरीब देश है अफ्रीका का। इक्वाडोर, पनामा, इक्वाडोर, लीबिया, इन सारी जगह कंडीशंस हुई, तो वो तो एकदम पावरफुल हो जाने चाहिए थे। उन सारे लीडर्स का मर्डर हो गया, और ये मर्डर करवाया जाता है इकोनॉमिक हिटमैन्स के जरिए। थैंक यू। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द शाह ऑफ ईरान, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडोनेशिया, इक्वाडोर, पनामा, मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड आई हैव सेड समथिंग लाइक, इन दिस हैंड आई हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स if you play our game. In this hand, I have a gun in case you decide not to. अगर सबसे पहले इन ऐसे कुछ लोग असाइन कर रखे हैं इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, जैसे आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो बिल गेट्स ने WHO के साथ मिलकर क्या डिस्कशन किया, क्योंकि देश की सरकार नहीं मान रही है ना, हमारे देश ने मैंडेटरी, तब देश की सरकारें नहीं मान रही थी बिल गेट्स की बातें। तो बिल गेट्स ने अब क्या प्रोग्राम बनाया कि हम एक जर्म टीम बनाएंगे, GERM, जर्म टीम। उस टीम का काम होगा देशों में जाकर अलग अलग लोगों को, अलग अलग सरकारों को देखना कि हमारी बातें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, और साइड करे, वो ही डिक्लेयर करेगी सब कुछ। अगर वो नहीं, और इसके साथ साथ वो लॉ ला रहे हैं, UK में लॉ आया, इनफैक्ट 2 दिन पहले UK में लॉ आया, लॉ लाने की कोशिश है पार्लियामेंट में, उनके डिस्कशन चल रही है कि ये मैंडेटरी कर दो, ये पावर्स मैंडेटरी करवा दो। हमारे देश में भी आएंगी, अब ये सेशन होगा मॉनसून सेशन में, तो ऐसे वो कर रहे हैं। अगर तो हमारे देश की सरकार वो एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्या हो, ना करे। तो यही कोशिश बहुत सारे ने करी है। तो इकोनॉमिक हिटमैन नाम के कुछ ग्रुप हैं, जैसे जर्म टीम बन गई, वैसे इकोनॉमिक हिटमैन नाम के कुछ लोग होते हैं। ये किसने बताया इकोनॉमिक हिटमैन के बारे में, ये CIA ने खुद डिक्लेयर करा है। जैसे इंडिया में RTI होता है, वैसे ही वहां पे फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है USA में। तो उसके तहत जब पूछा गया कि ऐसे बातें हैं, जो जो चीजें पूछी गई, तो CIA ने उनकी खुद ही, और NSA खुद ही, उन्होंने ओपन पेपर्स कर दिया, आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में सरकार की तरफ से पूरा प्लान है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो उनका पूरा प्लान है कि कैसे कैसे इकोनॉमिक हिटमैन्स को, लोगों को जाकर मारना है, जान से मार देना लीडर्स को। उनको ये तक बताया जाता है कि तुम्हें किस हथियार से मारना है, हथियार की शेप कैसी हो। सबसे पहले उनके पास होता है कि देश की सरकार को गिरवा दो, अगर देश की सरकार नहीं मान रही तुम्हारी बात तो सरकार गिरा दो। सरकार कैसे गिराई जाती है, सरकार गिराई जाती है ITSU, वो मेडिकल फील्ड के लिए बिल गेट्स ने बना रखी ITSU नाम की ऑर्गेनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन टेक्निकल यूनिट, मेडिकल फील्ड यहां से कवर होगा। उसके अलावा बिल गेट्स और पॉइंटर इंस्टीट्यूट और ये आपका जॉर्ज सोरोस, ओमिद्यार नेटवर्क, इन सब ने मिलकर एक पॉइंटर इंस्टीट्यूट बना रखा है। वो इंटरनेट के सारे फैक्ट चेकर्स को चेक करेगा,
और फैक्ट चेकर्स हर न्यूज़ चैनल को अपने पास रखना मैंडेटरी है, वरना उस न्यूज़ चैनल को बड़े बड़े ऑफर्स या सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलते, बड़ी बड़ी खबरें नहीं मिलती, उनके न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को अलग अलग जगह की एक्सेस नहीं मिलती। अगर डेवोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ हो रहा है तो आज तक वालों को वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी जब तक वो लाइसेंस कंप्लीट नहीं होगा उनका फैक्ट चेकिंग का। फैक्ट चेकर्स कौन होते हैं? फैक्ट चेकर्स फिर पॉइंटर इंस्टीट्यूट होते हैं, वो किसके अंडर आता है? बिल गेट्स। तो यहाँ से वो मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं। IFCN नेटवर्क बनाया है पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने, तो IFCN नेटवर्क के द्वारा ये मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब अगर मीडिया उनके हाथ में आ गई तो मीडिया की मदद से किसी भी सरकार को गिराना बहुत ईजी है। अगर हम अब देखें ना, नए नए रिसर्च आती रहती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक गिर गया क्योंकि जॉर्ज सोरोस चाहता है, स्पष्ट बोल चुका है वो तो, कि नरेंद्र मोदी हट जाना चाहिए, स्पष्ट बोल चुका है। अभी रिसेंटली फेब लास्ट में शायद आप लोगों को नहीं पता चला होगा, नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आंकड़े थे वो झूठे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने बिल गेट्स के साथ ITSU का पैक्ट 2018 में कैंसिल कर दिया कि हमें बिल गेट्स से टाई अप नहीं करना। लेकिन वो लोग इतनी पावर हैं, तो अब अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ कहेगी तो मोदी गवर्नमेंट को पता है मीडिया ये सारी न्यूज उठाने लग जाएगी। कौन सी न्यूज? कि इंडिया में डेमोक्रेसी इंडेक्स इतना गिर चुका है, इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतना गिर चुका है, जेंडर इनइक्वालिटी इतनी गिर चुके हैं, इन्फ्लेशन एशिया में सबसे ज्यादा होती जा रही है, हालांकि अभी तो इंडिया श्रीलंका की सबसे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें न्यूज दिखाने लग जाएगी। ये सरकारों को हमेशा से पता है कि हम सरकार चुने इसलिए नहीं गए थे हम अच्छे थे और हम काम खूबसूरती से करते हैं, हम इसलिए चुने गए थे क्योंकि मीडिया हमारा गुणगान करता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिपीटिशन पे काम करता है। सरकार गिराना मीडिया के द्वारा काफी संभव है, और अगर मीडिया के द्वारा सरकार नहीं गिरी, जैसे लीबिया नहीं गिरा था गद्दाफी, तो गद्दाफी ने इतनी प्रॉस्पेरिटी कर दी थी उस देश में, तो फिर क्या है? फिर उनके पास एक टीम होती है, जैकाल्स बोला जाता है उन्हें। तो जैकाल्स का काम होता है, वो हिटमैन्स होते हैं, सीधे मर्डर करना, उन लीडर्स का मर्डर करना। और इनफैक्ट ऐसे ऐसे लीडर्स का, जवाहरलाल नेहरू तक का नाम उसमें था कि इसका मर्डर करना है, लिस्ट हिट लिस्ट निकलती है। तो ये बात सबको पता है क्योंकि CIA ने खुद ही ओपन में बोल दिया। अब जब गवर्नमेंट, अगर आप मोदी की सीट पर बैठ के देखेंगे या अमित शाह की सीट पर बैठ के देखेंगे, इसके अलावा उन्हें हमेशा से पूरी हिस्ट्री पता है कि कैसे मर्डर होगा, हवा भी नहीं लगती, बिल्कुल भी प्लेन क्रैश हो जाएगा, हवा भी नहीं लगती। डेथ का फियर इतना एक्सट्रीम होता है ह्यूमंस में, और खासकर उन लोगों पे जिनके पास संपत्ति होती है, उनके पास खोने को बहुत कुछ है। अगर ग्रेट रिसेट आ गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, तो गरीब को क्या दिक्कत है? कुछ भी खोने को नहीं है। जिसके पास जितनी संपत्ति है, जितना राजपाट है, उतना डरा हुआ है, तो उन लोगों को मृत्यु का बहुत डर रहता है। मृत्यु का भय बताना बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इस इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे गेम को समझ पाते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़े, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही IMPH है। हमारी कोशिश में हमारे साथ आए। IMPH क्या है और उससे कैसे जुड़े, इसके लिए आप द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जिससे आप डायरेक्ट हमसे वेबिनार में जुड़ सकते हैं, जिसमें आप हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैनर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप 3 दिन बाद देख रहे हैं तो ये रहा इसका नेक्स्ट पार्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।